छत्तीसगढ़ की लिस्ट जारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की एक और सूची जारी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की एक और सूची जारी कर दी गई है। देखिए, नाम आपको लगातार बताएंगे। बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ बीजेपी की यह तीसरी सूची जो कि जारी हो गई है, उनके नाम आपको बताने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हो गई है। भावना बोहरा को पंडरिया से टिकट मिला है। भावना बोहरा को पंडरिया से टिकट दिया गया है। तो एक और लिस्ट बीजेपी की, छत्तीसगढ़ बीजेपी की यह तीसरी सूची है। दो सूची जारी हो चुकी है और तीसरी सूची जारी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। इनमें भावना बोहरा का नाम है पंडरिया से, जिनको टिकट दिया गया है। तो भावना बोहरा जिनको पंडरिया से टिकट दिया गया है, बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं। बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हो गई है, छत्तीसगढ़ बीजेपी की तीसरी सूची। कांग्रेस की लिस्ट आने में अभी समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट एक के बाद एक आती चली जा रही है। ये तीसरी सूची जिसमें भावना बोहरा को पंडरिया से टिकट दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हो चुकी है, ये तीसरी लिस्ट है। लगातार बैठक चल रही थी और बैठक के बाद मंथन चल रहा था। देखिए, आपको नाम दिखा रहे हैं, पंडरिया से भावना बोहरा। भावना बोहरा जिनको पंडरिया से टिकट दिया गया है, तो ये तीसरी सूची जिसमें भावना बोहरा को पंडरिया से टिकट दिया गया है। चलिए, इस पर और जानकारी हम लेंगे आगे आने वाले समय में, कितने नाम इसमें शामिल है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बीजेपी की यह तीसरी सूची है जो कि जारी कर दी गई है। बैठक हुई, बैठक में मंथन हुआ और उसके बाद देखिए ये तीसरी सूची जारी हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे जुड़ गए। कुलेश्वर, क्या एक ही नाम इसमें है ये तीसरी सूची में? जारी हो गई है निश्चित तौर पे। कयास ही लगा जा रहा था कि आज जो सूची जारी हो सकती है। बहुत सारे इसमें कुछ नए नाम भी साफ तौर पे इसमें नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो बचा जो सीट था उसको भी बीजेपी ने जो है फिलहाल जारी कर दी है। यानी कि ये सिंगल नाम जो है इस लिस्ट में जारी है? जी बिल्कुल, सिंगल नाम ही जारी किया गया पंडरिया का, क्योंकि पंडरिया में जो है पेज काफी फंसा हुआ था। फिलहाल अभी सिंगल नाम जारी किए, चार विधानसभा सीट अभी और बचे हैं जहाँ पे बीजेपी जो है हो सकता है कि आज या कल जारी कर दे। फिलहाल भावना बोहरा, हमने कल ही बता दिया था कि भावना बोहरा को जो है मौका दिया जाएगा और एक बार फिर से वही महिला को जो है पंडरिया से उतारा है। जी चलिए, तो पंडरिया से भावना बोहरा को मौका दिया गया है। और जैसे कि कुलेश्वर पांडे हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये अभी सिंगल सीट है जिन पर चर्चा चल रही थी, भावना बोहरा को यहाँ से टिकट मिलने की। और देखिए, उनको टिकट मिल गया है पंडरिया से। अभी चार और नामों पर चर्चा चल रही है, वो भी शायद आज या कल में आ सकती है। कुलेश्वर, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, कुलेश्वर तो क्या अभी भी मंथन चल रहा है, बैठक चल रही है? देखिए बिल्कुल, देखिए बीजेपी भी जो है कुल मिलाकर 2023 में सत्ता में वापस आने के लिए पूरा जीतोड़ मेहनत कर रही है। और तो इनका भी हम सूची देखे थे किस तरह से सूची जो है काफी समीकरण बैठाया गया था। और एक बार फिर से जो है जिस तरह से भावना बोहरा है, कुल मिलाकर सामाजिक कार्यकर्ता और लंबे समय से जो है बीजेपी से जुड़ी हुई है, लगातार समाज में इनका अच्छा पकड़ है। और पंडरिया की बात करें तो पंडरिया में भी काफी जनता के बीच में इनका पकड़ है। तो कुल मिलाकर सभी चीज को देखकर जो है भावना बोहरा को दिया गया है, क्योंकि लंबे समय से ये सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी उस क्षेत्र में काम कर रही थी, लोगों की मदद कर रही थी और कहीं ना कहीं चर्चित चेहरा है वहां का। तो आखिर में बीजेपी ने जो इनके नाम पर मुहर लगाया है। कुलेश्वर, के यहाँ भी जो चूंकि कश्मकश का दौर चला, ये सिंगल लिस्ट इनको जारी करनी पड़ी, तो क्या इसमें भी दो या तीन नाम पर पैनल पे कुछ डिस्कशन चल रहा था? निश्चित तौर पे जो पांच सीट भारतीय जनता पार्टी के बचे थे उसमें दो दो नाम तय थे। और अभी भी हम अगर बात करें तो चार विधानसभा सीट ऐसे है जहाँ पर अभी भी सूची उसकी नहीं आई है। तो कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि अगर हम प्रत्याशी घोषित करें तो वहाँ पे विवाद ना हो, क्योंकि ये सब नए चेहरे हैं। पुराने बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उसमें फिर ये बात आ जाती है कि हमको मौका क्यों नहीं दिया। हम देख ही रहे हैं कि लगातार किस तरह से बीजेपी के अंदर खाने में जो विरोध है वो हो रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने काफी मंथन किया और मंथन करने के बाद जो है
सिंगल नाम पर मुहर लगाकर भावना बोरा को वहां से उतारा है। अब देखने वाली बात होगी कि 2023 का परिणाम पंडरिया का कैसा रहता है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी ने काफी मंथन करने के बाद जो इनके नाम पर मुहर लगाया, फिलहाल 4 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां अभी भी पेच फंसा हुआ है, अभी तक नाम का ऐलान वो नहीं हुआ। तो अभी कितनी सूचियां और आ सकती हैं, क्योंकि अभी कितने नाम और बाकी कितनी सूचियां अभी और आ सकती हैं एक या दो दिन? देखिए बिल्कुल, अब जो सूची आएगी फाइनल सूची रहेगी बीजेपी की, जिसमें चारों विधानसभा बेमेतरा, कसडोल, अंबिकापुर, ये तमाम जो विधानसभा है उनकी लिस्ट है। क्योंकि देखिए समय काफी कम बचा हुआ है, फर्स्ट सीरीज पर अगर हम बात करें तो 20 तारीख तक नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और सेकंड का 30 तारीख तक। तो ऐसे में बीजेपी का प्रयास रहेगा कि हम फाइनल लिस्ट जो जारी करता कि जो नेता है वो टिकट में ना उलझे रहे और अपने प्रचार प्रसार में तैयारी में जुटे रहे। वक्त कम है तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज देर रात तक या कल बीजेपी की अंतिम सूची भी छत्तीसगढ़ के लिए जारी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुलेश्वर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला। गौरव देखिए भावना को यहाँ पर मौका दिया गया और सिंगल नाम अभी तक जारी किया गया, अभी 4 नाम और बाकी हैं, तो क्या अभी भी कशमकश की स्थिति है? और भावना बोरा इनके नाम पर क्या कुछ सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी 2 या 3 नाम थे पैनल में? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने अभी तक 5 विधानसभा सीट के जो है नाम नहीं घोषणा किए थे, कल देर शाम तक इसे लेकर बैठक भी चला था और बैठक के बाद आज एकमात्र नाम जो है एकमात्र प्रत्याशी के नाम की सूची फिर से बीजेपी ने जारी करी और वो है पंडरिया से भावना बोरा की। यदि हम बात करें पंडरिया से तो 3 नाम वहां पर चल रहे थे, जिसमें सबसे पहले विशेषर पटेल जो कि आरएसएस से जुड़े हुए उनका नाम था और उसके साथ ही साथ दिनेश चंद्रवंशी, ये 2 नाम ऐसे थे जो प्रत्याशी के दौड़ में शामिल थे। लेकिन आखिरी में मुहर लगी है भावना बोरा पर। भावना बोरा जो है वो सामाजिक कार्य से भी जुड़ी हुई थी और लगातार उनका अपने क्षेत्र में खासकर कवर्धा पंडरिया क्षेत्र में लोगों के बीच जाना ज्यादा था और कई बड़े आयोजन उनके द्वारा कराए गए थे, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिला है भावना बोरा को। महिला फैक्टर भी है, महिला फैक्टर के चलते वहां पर उन्हें ये मौका जो है पार्टी ने दिया है। और यदि हम बात करें तो जो बाकी बचे 4 नाम है उसमें भी अंबिकापुर और उसके साथ ही साथ बेमेतरा एक ऐसे सीट है जहां पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। खासकर बेमेतरा की बात करें तो बेमेतरा में योगेश तिवारी जो कि पैरासूट प्रत्याशी कहा जा सकता है, उनका नाम आगे चल रहा है, उनके नामों पर अभी सहमति बन गई है, इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है। क्योंकि जितने भी बड़े आयोजन हो रहे हैं, जैसे अमित शाह राजनांदगांव पहुंचे थे उस दौरान भी वो अपना दमखम दिखाने के लिए बड़ी संख्या में अपने सहयोगी समर्थकों के साथ राजनांदगांव पहुंचे, कल जब बैठक चल रही थी उस दौरान भी वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं योगेश तिवारी का नाम बेमेतरा से आगे चल रहा है और 4 विधानसभा सीट है, बेलतरा का मान लीजिए, अंबिकापुर, बेमेतरा, और इसके साथ ही साथ ये सभी ऐसे सीट है जहां पर अभी भी 4 सीट है जिसमें नाम आना बचा है और पार्टी आज देर शाम तक या कल सुबह इसमें 4 नामों की सूची पूरी तरीके से जारी कर देगी। अब इसके बाद आपके पास फिर से आता हूं, मैं आपके पास फिर से आता हूं। गौरव आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक और लिस्ट जारी हो चुकी है, भावना बोरा को पंडरिया से बीजेपी ने टिकट दिया है, इनके सामने कौन कांग्रेस का, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए ये लिस्ट देखिए आप, तस्वीरें दुर्ग संभाग से राजनाथ गांव से गिरीश देवांगन जो कि कांग्रेस से, रमन सिंह के खिलाफ ये ताल ठोकेंगे। डोंगरगांव से दलेश्वर साहू जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है लेकिन अभी बीजेपी ने होल्ड पर रखा है। भोलाराम साहू कांग्रेस के उम्मीदवार है तो उनके सामने गीता है। पंडरिया से देखिए भावना बोरा के सामने नीलकंठ है, नीलकंठ चंद्रवंशी कांग्रेस से है। भावना बोहरा के सामने, भावना बोहरा ये सामाजिक कार्यकर्ता है, इनके ऊपर काफी कश्मकश थी, यहां पर 2-3 नाम थे पैनल पे, लेकिन नीलकंठ चंद्रवंशी के सामने भावना बोहरा को टिकट देना उचित समझा भारतीय जनता पार्टी ने। तो पंडरिया सीट जहां पर एकमात्र उम्मीदवार अभी यहां घोषित किया गया है इस सूची में, भावना बोहरा नीलकंठ चंद्रवंशी के सामने। और गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव देखिए 4 नाम आप बता रहे थे, यहाँ पर नीलकंठ उनके सामने है, किस तरह की टक्कर दे पाएंगे ये सामने आ रहा है। और दूसरा एक और सवाल ये है कि अंबिकापुर से भी शायद अभी बीजेपी ने उम्मीदवार तय नहीं किया है, क्योंकि वहाँ से उप मुख्यमंत्री है तो उनके सामने कोई टक्कर का उम्मीदवार चाहिए।
जी बिल्कुल, देखिए उप मुख्यमंत्री के खिलाफ ही कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति उतारना चाह रही है बीजेपी जो उन्हें टक्कर दे सके, उन्हें उनके साथ यदि मैदान में उतरता है तो अच्छे मतों से जीत दिला सके, ऐसे प्रत्याशी की तलाश जो है वो बीजेपी करते नजर आ रही थी। कई नामों पर अभी वहां पर चर्चा हुई है लेकिन एक सिंगल नाम अभी तक तय नहीं हो पाया है। उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव के सीट होने के चलते काफी हाई प्रोफाइल सीट हो जाता है और जिस तरीके का दबदबा TS सिंहदेव का सरगुजा संभाग में है उससे किस तरीके से तोड़ा जाए, कैसे मतदान प्रत्याशी को वहां पर उतारा जाए, इस पर मंथन अभी भी चल रहा है। ओम माथुर पहुंचेंगे आज, जो प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी है छत्तीसगढ़ के, वो जब पहुंचेंगे तो संभवतः एक बार और बैठक होगी और बैठक में नामों पर चर्चा होगी क्योंकि जीताऊ प्रत्याशी इन्हें लाना है। किसी भी तरीके से ऐसा प्रत्याशी नहीं उतारना है जो फॉलो अप दे दे या फिर उसके तरीके से जो पार्टी दूसरे पार्टी के लोग हैं उन्हें जीत दर्ज करा दे। तो बीजेपी लगातार ऐसे प्रत्याशी चार रही है, चार अभी सीट और बचे हैं। जी जी, और जिस तरह की बात कर रहे हैं हम भावना बोहरा की, इनके सामने नीलकंठ उम्मीदवार हैं, तो क्या ये कुछ सब सोच समझ के किया है दोनों की? अगर हम बात करें राजनीतिक सियासत को अगर हम देखें तो ये तो सामाजिक कार्यकर्ता या पहले से सक्रिय नहीं पार्टी में? जी देखिए बिल्कुल, भावना बोहरा जो है वो पार्टी में सक्रियता के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी काफी आगे रही हैं। वो लोगों के बीच सीधे जाने वाली महिला हैं और लगातार वो ऐसे आयोजन कर रही हैं जिससे सीधे तौर पर लोग जो हैं वो भावना बोहरा से जुड़ रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वो हर एक ऐसे कार्यक्रमों में जाती है, चाहे वो सुख का कार्यक्रम हो या दुख का कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रम में भावना बोहरा पहुंचती है। और नीलकंठ की यदि बात करें जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो भी उनकी अपनी एक अलग छवि है क्योंकि कांग्रेस ने कई दौर के सर्वे के बाद अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। अभी तक केवल 30 नामों की घोषणा हुई है और उन 30 नामों में यदि नीलकंठ का नाम निकलकर सामने आता है तो पार्टी ने पूरी तरीके से सर्वे किया है, वहां पर लोगों से फीडबैक लिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की है कि यदि हम नीलकंठ को मैदान में उतारते हैं तो वो जीत दिला सकते हैं या नहीं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी ने पूरी तरीके से सर्वे कराकर अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरव इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए हम